देखो आगे हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स, इलास्टिसिटी और सरफेस टेंशन। देखो बेसिकली जनरल प्रॉपर्टीज क्या है मैटर की, जो सब्सटेंस है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, अट्रैक्शन और रिपल्शन, वो फोर्सेस डेवलप होते हैं, ठीक है। और उन फोर्सेस के कारण जो प्रॉपर्टीज हम एक्सप्लेन कर पाते हैं उनको हम जनरल प्रॉपर्टीज कहते हैं, जिसमें इलास्टिसिटी की बात करें, टेंशन जो होता है ऑब्जेक्ट के अंदर, स्ट्रेस, फ्लूइड की बात करें प्रेशर, ठीक है। तो वो सब हम जनरल प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। देखो अगर हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को या डिफरेंट सब्सटेंस को देखें, उनको ऑब्जर्व करें, तो हम दो बातें नोटिस कर सकते हैं। हम कैटेगराइज कर सकते हैं मैटर को या सब्सटेंस को। एक वो सब्सटेंस होता है जो कि बहुत रिजिड होता है, जैसे सॉलिड, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, बहुत स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है। तो वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को बांध के रखने की उनमें क्षमता होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस चौक की बात करूं, तो चौक इस पर्टिकुलर शेप में अभी है, इसका मतलब क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को बांध कर इस पर्टिकुलर शेप में रखने के लायक, ठीक है। आप समझ सकते हो कि इस तरह की लिक्विड की चौक नहीं बनाई जा सकती, या गैस की चौक नहीं बनाई जा सकती। क्या होगा अगर हम लिक्विड को इस शेप में लेके आएंगे, उसको होल्ड करने के लिए, बांधने के लिए बाहर से कोई फोर्स चाहिए, वो अपने आप में नहीं बन सकता। जैसे आप इस शेप में लाओगे तुरंत वो फ्लो होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो दो तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं, एक रिजिड है या सॉलिड सब्सटेंस, और दूसरा है जो कि फ्लो कर सकता है, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड, ठीक है। तो फ्लूइड इज दैट सब्सटेंस विच कैन फ्लो, फ्लूइड इज दैट सब्सटेंस विच कैन फ्लो। और ये फ्लो क्यों कर रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स इन द फ्लूइड इज वेरी वीक, इंटरमोलिकुलर फोर्स इन द फ्लूइड इज वेरी वीक, दैट्स व्हाई द मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लूइड कैन नॉट होल्ड ईच अदर प्रॉपरली। सो जो भी लिक्विड होगा या जो गैस होगा उसको आप पर्टिकुलर शेप में नहीं रख सकते, ठीक है। उसको बांधने के लिए बाहर से कोई ना कोई फोर्स की जरूरत है। अभी मैं एक एग्जाम्पल लूंगा, ठीक है। तो फ्लूइड इज दैट सब्सटेंस विच कैन फ्लो, एंड क्या लिखा, द इंटरमोलिकुलर फोर्स इज वेरी वीक, राइट। द एग्जाम्पल ऑफ फ्लूइड इज लिक्विड, गैसेस एंड प्लाज्मा। हमने सॉलिड स्टेट की बात की, सॉलिड में तो जो इंटरैक्टिव फोर्स है बहुत स्ट्रांग है, वो होल्ड कर सकता है, रिजिड बना सकता है उसको। बट बाकी जो स्टेट्स हैं, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, ठीक है ना, प्लाज्मा जो हाई टेम्परेचर सन में जो होता है वो फ्लूइड है, उस पर अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो वो फ्लो करने लगेगा, ठीक है। जो फ्लोइंग प्रॉपर्टी है या जो वीक इंटरेक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये प्रॉपर्टी डिफाइन करती है फ्लूइड, ठीक है। तो अभी हम फोकस करेंगे फ्लूइड पे। देखो फ्लूइड मैकेनिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है, जैसे फर्स्ट स्टेप जो है, दैट इज कंसेप्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। किसी भी लिक्विड या गैस का कुछ प्रेशर होता है, उसके अंदर हर एक पॉइंट पर कुछ ना कुछ प्रेशर होता है, उस प्रेशर को हम पहले डिफाइन करते हैं, प्रेशर होता क्या है, ठीक है। इन जनरल अगर मैं बात करूं, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा अभी कि किस तरह से हम प्रेशर को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, एवरीबडी नोज दैट, ठीक है। जब हम फोर्स के यूज से मैकेनिक्स की बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं, तो फिर हमें प्रेशर को डिफाइन करने की क्या जरूरत पड़ी। जब फोर्स से सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं तो हमने प्रेशर को क्यों डिफाइन किया, ठीक है। समझना इस पॉइंट को, तो बात समझ में आएगी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेशर।
प्रेशर को हमने डिफाइन किया फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो वहां पर प्रेशर होगा एफ बाय ए, ठीक है। एक्चुअली प्रेशर इज इफेक्ट ऑफ फोर्स, इस बात को समझना। जैसे इस दीवार पे मैं अभी फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, तो फोर्स अप्लाई करने का क्या इफेक्ट पड़ा? इस दीवार पर मैंने फोर्स अप्लाई किया तो जहां जहां भी मेरे हाथ ने कॉन्टेक्ट किया जिन मॉलिक्यूल से, उन मॉलिक्यूल के साथ क्या हुआ होगा? डिस्प्लेस हुए होंगे या नहीं? वो डिस्प्लेस हो गए होंगे, थोड़े से अंदर चले गए होंगे। अब याद करो, कुछ दिनों पहले मैंने बताया था आपको कि मॉलिक्यूल्स के बीच में किस तरह के फोर्स होते हैं। मैं फिर से रिवाइज कराता हूं, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होते हैं वो स्प्रिंग की तरह होते हैं। ये कंसेप्ट बहुत हेल्पफुल है। स्प्रिंग की तरह होते हैं, जब वो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर होते हैं तो उनके बीच में फोर्स कितना होता है? जीरो। अगर उनको एक दूसरे से दूर कर दोगे तो क्या होगा बोलो? वो ऐसे ही होगा जैसे स्प्रिंग को खींच दो, तो स्प्रिंग को स्ट्रेच करोगे तो फोर्स किधर लगेगा? अंदर की तरफ लगेगा। इसके अपोजिट अगर मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के पास मिले आए, एटम्स को पास मिले आए, तो क्या होगा? जो फोर्स होगा वो कैसा होगा? रिपल्सिव होगा। तो हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उनके बीच का जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस हो गया। तो मॉलिक्यूल्स को दूर ले जाओगे, एटम्स को दूर ले जाओगे तो अट्रैक्टिव फोर्स, पास लाओगे तो रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। तो वो स्प्रिंग की तरह फोर्स है, ठीक है। अब फिर से इस बात को समझो जो मैंने कही, मैंने इस दीवार पे फोर्स लगाया तो फोर्स लगने के कारण जो ये मॉलिक्यूल्स हैं कॉन्टेक्ट के, ये थोड़ा अंदर चले गए, तो इसके जस्ट पीछे वाली जो लेयर है उसके एटम्स तो वही है, लेकिन ये एटम उसके पास में आ गए, तो एटम्स के पास आने के कारण क्या हुआ होगा? उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स डेवलप हुआ होगा, ठीक है। अब मतलब उनके बीच के जो स्प्रिंग है वो दब गए, कंप्रेस हो गए। अब इमेजिन करो, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहा हूं बट अब मैंने क्या किया, एरिया को कम कर लिया। अब मैं कम एरिया पर वही फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो क्या होगा बोलो? अब कम मॉलिक्यूल्स कॉन्टेक्ट में आएंगे, और कम मॉलिक्यूल्स कॉन्टेक्ट में आएंगे तो उनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो कंप्रेशन होगा, वो ज्यादा होगा या कम होगा? पहले से ज्यादा हो जाएगा। तो अब जो एटम्स है उनके बीच की स्पेसिंग और कम हो गई, मतलब मैंने स्प्रिंग्स को और ज्यादा कंप्रेस कर दिया। तो फोर्स तो उतना ही लगा रहा हूं बट फोर्स का जो इफेक्ट पड़ रहा है ऑब्जेक्ट पर, सरफेस पर, वो डिपेंड करेगा कि आपने फोर्स को कितने कम एरिया पर कंसंट्रेट किया है। तो जितना कम एरिया होगा उतना अंदर इफेक्ट बढ़ते जाएगा, समझ रहे हो ना? तो जो उसका इफेक्ट है फोर्स पर तो डिपेंड करेगा ही, साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया। दैट्स व्हाई वी हैव डिफाइंड दिस क्वांटिटी प्रेशर, ठीक है। अब समझ सकते हो आप इसका जो एग्जांपल अगर हम ले, कुछ जो कील होती है नेल, उसका एक पार्ट जो होता है वो कैसा होता है? नुकीला, हाँ, पॉइंटेड होता है, शार्प होता है। ऐसा क्यों बनाया हमने? पर्पस क्या है कील का? हम चाहते हैं कि वो दीवार के अंदर चला जाए, और दीवार के अंदर अगर उसको जाना है तो जहां उसको जाना है वहां के मॉलिक्यूल्स को, एटम्स को हटाना पड़ेगा, और हम जानते हैं कि दीवार बहुत सख्त है, एटम्स के बीच में जो फोर्स है बहुत स्ट्रांग है, तो उनको तोड़ना पड़ेगा, डिफॉर्म करना पड़ेगा। और डिफॉर्मेशन जो है अंदर वो किस बात पर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कि आप कितना प्रेशर जनरेट कर पा रहे हो। अल्टीमेटली फोर्स डज नॉट डिसाइड द डिफॉर्मेशन, द प्रेशर डिसाइड्स। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो आपने नेल पे फोर्स लगाया, फोर्स तो उतना ही है बट कम एरिया पर उस फोर्स को कंसंट्रेट कर दिया, तो उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। वो इतना इफेक्ट होगा कि वहां के मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे, जगह बना देंगे, और जो नेल है वो अंदर चले जाएंगे, ठीक है ना? उसका एक पार्ट इसलिए शार्प रखा जाता है। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, ठीक है। आपने ये नोटिस किया होगा कि अगर हम किसी रेतीली जगह पर जाते हैं या कहीं ऐसे जगह जाए जहां स्नो है, बर्फ है, तो वहां पे नॉर्मल शूज के साथ चलना बहुत डिफिकल्ट होता है, रेत पे स्पेशली। आप पैर रखोगे और धस जाएगा पैर, तो कारण क्या है इसका? क्यों नहीं चल पा रहे हैं? उसका रीजन क्या है? ठीक है, अब ये पर्सन रेत पर खड़ा है, ये कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहा है रेत पर? इसका वेट जो है इसको नीचे खींच रहा है, ठीक है। और वेट के कारण इस पर्सन और ग्राउंड के बीच में एक नॉर्मल इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर एक फोर्स लग रहा होगा ग्राउंड पर, वो ग्राउंड पर जो फोर्स लग रहा है नॉर्मल, वो इसके वेट के बराबर होगा। बट जो वेट है, जो नॉर्मल है, वो कम एरिया पर कंसंट्रेटेड है या नहीं?
जो शूज का जो बॉटम एरिया होगा वो एरिया डिसाइड करेगा प्रेशर को. सो प्रेशर इज फोर्स मतलब वेट पर यूनिट एरिया. तो जो शूज है नॉर्मल उसका एरिया कम है सोल का बेस का, इसलिए प्रेशर ज्यादा है. प्रेशर ज्यादा होने के कारण क्या हो गया, पैर धस जाएंगे. वैसे ही होगा जैसे नेल के साथ होता है, दीवार में धस जाती है. अब अगर हम इस तरह के शूज डिजाइन करना चाहें सो देट हम आसानी से रेत पर या स्नो पर चल सकें, तो शूज की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? सीधी सी बात है कि जो एरिया वो डिसाइड कर रहा है, तो जो बूट होगा ठीक है, जो सैंड के लिए या फिर स्नो बूट जो है, उस बूट का जो बॉटम है वो ब्रॉड बेस्ड होगा, उसका एरिया ज्यादा है. तो एरिया ज्यादा होने से क्या होगा, प्रेशर कम होगा, आसानी से हम चल सकते हैं. द बेस्ट एग्जाम्पल इज कैमल, उसमें नेचुरल फूट है ठीक है ना. उसका जो फूट है वो नीचे से क्या है, ब्रॉड है, बड़ा है, तो जिसके कारण क्या होगा, वेट के कारण वो नीचे नहीं धस पाएगा, उसका प्रेशर कम होगा. क्या मेरी बात क्लियर है? एक और एग्जाम्पल लेता हूं और आपके लिए जरूरी है ठीक है. मान लो कोई एडवेंचर स्पोर्ट के लिए आप कहीं जंगल वगैरह में जाते हो ठीक है, और दौड़ भाग रहे हो और पता लगा कि अचानक सामने दलदल आ गया ठीक है ना, मार्शी एरिया है, और दलदल में जैसे ही जंप करोगे वैसे ही आप समझ सकते हो उसमें डूबने लगो ठीक है. तो ये पर्सन दलदल में गिर गया. अब ये जितना बचने की कोशिश करेगा उतना और प्रॉब्लम क्रिएट कर लेगा अपने लिए, क्योंकि तो अगर हटाएगा वो दलदल को तो उतना ज्यादा स्पेस बना लेगा, उतना धसने लगेगा ठीक है. तो इस पर्सन का धसने का कारण क्या है बता सकते हो आप? इट इज प्रेशर, समझ रहे हो ना. अगेन इसका वेट जो है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, और किस पार्ट पे वो प्रेशर पड़ रहा है, बॉटम पे. तो अभी ऐसा वर्टिकल पोजीशन में है तो जो कांटेक्ट एरिया है वो कम है, कम होने के कारण प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो कील की तरह ये अंदर जा रहा है, धंस रहा है. अगर इसको अपने आप को बचाना है तो किस पोजीशन में लाना होगा, इस पर्सन को अगर बचना है तो किस पोजीशन में होना चाहिए, इसको इसको हॉरिजेंटल पोजीशन में आ जाना चाहिए. अगर वो हॉरिजेंटल पोजीशन में आता है इस तरह से, तो अब क्या होगा बोलो, आगे क्या हुआ, दिख नहीं रहा, दिख रहा है? तो ये पर्सन हॉरिजेंटल पोजीशन में आ गया है, अभी वेट नीचे लग रहा है, और अब कांटेक्ट एरिया बढ़ गया है या कम हो गया, बढ़ गया है ठीक है ना, वो कांटेक्ट में जो है दलदल के साथ, तो एरिया बढ़ा दिया. एरिया बढ़ाने के कारण प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. अब उसके धसने की प्रोबेबिलिटी कम हो गई ठीक है ना. तो अल्टीमेटली जो फोर्स है उसका इफेक्ट जो है वो एरिया पर डिपेंड करता है. लिख लो इस चीज, प्रेशर इज इफेक्ट ऑफ फोर्स, प्रेशर इज इफेक्ट ऑफ फोर्स विच डिपेंड्स ऑन एरिया ऑन विच फोर्स इज कंसेंट्रेटेड, विच डिपेंड्स ऑन एरिया ऑन विच फोर्स इज कंसेंट्रेटेड. अब एक और चीज समझना, अगर फोर्स दिया है तो हम प्रेशर निकाल सकते हैं ठीक है, अगर प्रेशर दिया है तो हम फोर्स भी निकाल सकते हैं. हमने पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स में गैस का प्रेशर, समझ रहे हो ना, जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो लगातार वॉल से टकराते हैं, टकराने के कारण फोर्स जनरेट करते हैं, फोर्स के कारण प्रेशर बनता है ठीक है. तो अगर प्रेशर दिया है आपको गैस का तो कितना फोर्स लगाएगा वो निकाल सकते हैं हम इस फॉर्मूले से. तो प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स वुड बी प्रेशर इनटू एरिया. अब समझना लॉजिक, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन भी होगा, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अब लेफ्ट साइड में अगर वेक्टर है तो राइट साइड में भी वेक्टर होना चाहिए. वी नो दैट प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, बचा क्या, एरिया. तो एरिया मस्ट बी वेक्टर क्वांटिटी. याद रखना जो एरिया है उसको स्केलर और वेक्टर दोनों के टर्म में डिफाइन कर सकते ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस बोर्ड की बात करूं तो बोर्ड का सर्टेन एरिया होगा, दैट इज स्केलर क्वांटिटी, दैट इज मैग्नीट्यूड. बट इसी एरिया को अगर मुझे वेक्टर के फॉर्म में शो करना पड़े तो उसका जो एरिया है वो तो मैग्नीट्यूड हो गया, बट उसकी डायरेक्शन मैं कैसे डिफाइन करूंगा, दैट इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ एरिया. जो एरिया का प्लेन होगा उसका नॉर्मल वेक्टर जो है वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को शो करेगा. इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं पर प्रेशर दिया हुआ है
तो प्रेशर के कारण जो फोर्स लगेगा वो होगा पी इंटू ए, और डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन वुड बी नॉर्मल टू एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। अभी मैं समझाता हूं, लिखाऊंगा अभी। देखो मान लो कि इस रूम में अभी कुछ एयर है, एयर के कारण कुछ प्रेशर होगा, उस प्रेशर के कारण फोर्स कितना लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा आप बताना, ठीक है? तो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं इस दीवार से टकरा रहे होंगे, तो इस दीवार पे कितना फोर्स लगेगा? प्रेशर इनटू एरिया। डायरेक्शन क्या होगी? बाहर की तरफ। हम जानते हैं ना तो गैस का प्रेशर होता है बाहर की तरफ एक्ट करता है, तो इस तरफ फोर्स लगा रहा होगा, इस ग्राउंड पर किधर फोर्स लग रहा होगा एयर के कारण? तो प्रेशर इनटू एरिया, डायरेक्शन किधर होगी? वर्टिकली डाउनवर्ड। रूफ की बात करें तो वर्टिकली अपवर्ड, साइड वॉल की तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। मतलब प्रेशर वही है, गैस वही है, लेकिन उस प्रेशर के कारण जो फोर्स लग रहा है वो डिपेंड करेगा कि जो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है वो कैसा है। एरिया अगर ऐसा है हॉरिजेंटल तो उस पर नॉर्मल नीचे की तरफ लगेगा, रूफ है बाहर की तरफ ऊपर की तरफ, साइड वॉल पे हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, तो जिस एरिया पर भी फोर्स लग रहा है फोर्स उस एरिया के नॉर्मल डायरेक्शन में होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? एक और चीज से समझो, जैसे मेरी हथेली पर भी इस समय गैस का प्रेशर पड़ रहा है उसके कारण फोर्स लग रहा होगा, तो किधर फोर्स लगेगा बोलो? हाँ इस तरफ फोर्स लग रहा है। अगर मैंने डायरेक्शन बदल ली तो अब ऐसा फोर्स लग रहा होगा, ऐसा रखा है तो अब नीचे की तरफ लग रहा होगा। तो प्रेशर वही है, प्रेशर के कारण जो फोर्स होगा वो डिपेंड करेगा एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है? प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है, प्रेशर के कारण जो फोर्स होता है वो चारों तरफ लगता है, डिपेंड करेगा कि जिस के साथ कॉन्टेक्ट है वो कैसा है, ठीक है? आप लिख लो, द फोर्स ड्यू टू प्रेशर, फोर्स ड्यू टू प्रेशर इज नॉर्मल टू एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। फोर्स ड्यू टू प्रेशर इज नॉर्मल टू एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है ना? तो आप ये बात समझ गए कि प्रेशर क्या है, और प्रेशर दिया है तो प्रेशर के कारण फोर्स कैसे निकाला, ठीक है? अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे, फ्लूइड मैकेनिक्स पे। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फ्लूइड के अंदर कुछ प्रेशर होता है, लिक्विड के अंदर कुछ प्रेशर होता है, वो प्रेशर क्या है पहले तो हम ये समझें, उसके बाद वो प्रेशर को निकालेंगे। प्रेशर इनसाइड फ्लूइड, ठीक है समझना, ये एक कंटेनर है, कंटेनर में किसी लिक्विड को हमने फिल कर लिया, ठीक है? कंटेनर में किसी लिक्विड को फिल किया है। अब ये बताओ इस लिक्विड पर कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं इस समय, कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे होंगे? एक इसका वेट, ठीक है, लिक्विड का वेट होगा नीचे की तरफ। अच्छा अगर इसका वेट नीचे लग रहा है तो ये लिक्विड नीचे क्यों नहीं चला जाता? सीधी सी बात है, जो बॉटम होगा जो बेस होगा वो नॉर्मल फोर्स के द्वारा इसको रोक रहा है, ठीक है? वो जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो किस पे लग रहा है? अल्टीमेटली लिक्विड पे लग रहा है, ठीक है? एक और चीज, ये कंटेनर की जो साइड वॉल है, क्या साइड वॉल भी लिक्विड पर कुछ फोर्स लगा रही है? सोचो इस चीज, साइड वॉल भी लिक्विड पर फोर्स लगा रही है या नहीं? लगा रही है। ये कैसे प्रूव कर सकते हैं? बड़ा आसान है। अगर साइड वॉल फोर्स नहीं लगा रही हो, इसको संभालने के लिए नहीं लगा रही हो, तो साइड वॉल को हटाने पर भी लिक्विड वैसा का वैसे ही रहना चाहिए, ठीक है? तो आप एक होल बना दो यहां पे। अगर होल बनाते हो साइड में कंटेनर में तो क्या होगा? लिक्विड बाहर आ जाएगा। लिक्विड बाहर आ रहा है क्योंकि उसको होल्ड करने वाला जो फोर्स है वो आपने हटा दिया। इसका मतलब कंटेनर की जरूरत पड़ेगी टू होल्ड द लिक्विड। सॉलिड के लिए आपको इस तरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, सॉलिड में खुद में ही इतना फोर्स है कि वो उस शेप में होल्ड कर सकता है अपने आप। इसका मतलब वॉल भी फोर्स लगा रही होगी, और किस तरफ लग रहा होगा उसका फोर्स? अंदर की तरफ लग रहा होगा, ठीक है? तो इस तरह से वॉल भी फोर्स लगा रही। अब समझना, लिक्विड पर
पर अगर फोकस करो तो आप देख सकते हो चारों तरफ से उस पर जो फोर्स लग रहा है वो अंदर की तरफ लग रहा है, और अगर सभी तरफ से फोर्स अंदर की तरफ लगेगा तो लिक्विड कंप्रेस होगा या एक्सपांड होगा? सीधी सी बात है, कंप्रेस हो जाएगा। और अगर लिक्विड कंप्रेस हो गया तो इसका मतलब क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, उनके बीच की स्पेसिंग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब नॉर्मल कंडीशन में जो लिक्विड है उसके अंदर एटम्स के बीच की स्पेसिंग कम हो जाती है, और अगर एटम्स के बीच की स्पेसिंग कम हो गई तो उनके बीच किस तरह का फोर्स डेवलप होगा? रिपल्सिव या अट्रैक्टिव? रिपल्सिव। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि एटम्स के बीच में स्प्रिंग जैसा फोर्स होता है, तो पास आने के कारण ऐसा समझ लो कि वो सारे स्प्रिंग कैसे हो गए? कंप्रेस हो। समझ रहे हो ना? तो अंदर आप देख सकते हो कि हर जगह कंप्रेसिव सिचुएशन बन चुकी है, कंप्रेशन की। समझ रहे हो ना? और कंप्रेशन का मतलब है प्रेशर, स्ट्रेस है अंदर की तरफ, कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो हर जगह वो कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हो गया, उसी के कारण प्रेशर जनरेट हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? लिखो इस पहले पॉइंट को। बिकॉज ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय कंटेनर्स वॉल, बिकॉज ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय कंटेनर्स वॉल and the weight, liquid gets compressed. That causes atoms of liquid to be closer to each other. And because of that, pressure is generated at every point inside the liquid. अभी हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, ये चीज हर एक फ्लूइड के लिए वैलिड है, ठीक है ना? तो प्रेशर जनरेट हो गया, वो प्रेशर कैसा होगा, कैसे फोर्स लग रहे होंगे उस पर हम थोड़ा फोकस करें, ठीक है? ध्यान से समझना, एक स्मॉल सेक्शन ले रहा हूं, एक स्मॉल पार्ट ले रहा हूं लिक्विड का, इसके अंदर छोटा सा पार्ट, और उस पर मैं फोकस करता हूं कि किस तरह से फोर्स लग रहा है, ठीक है? तो लिक्विड का इतना सा हिस्सा है, इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं उस पर थोड़ा सा हम ऑब्जर्व करें। फोर्स अप्लाइड ऑन द गिवन पार्ट, गिवन पार्ट पर किस तरह से फोर्स लग रहा है? अब कौन फोर्स लगाएगा बोलो? जो इसके सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स हैं, सराउंडिंग एटम्स, वो फोर्स लगाएंगे, ठीक है? ये हमारा सिस्टम हो गया, इस पर फोर्स लगेगा। अब सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स या एटम्स इस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे? अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? अंदर की तरफ, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच की स्पेसिंग कम हो गई, रिपल्सिव फोर्स होगा, तो ये मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल इसको अंदर की तरफ पुश करेगा, ये इसको अंदर की तरफ पुश करेगा। तो जो भी आपने पार्ट कंसीडर किया है उस पार्ट पर सभी तरफ से फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, आप समझ सकते हो दैट इज कॉल्ड प्रेशर। अंदर आप कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लो, उस पॉइंट पर चारों तरफ से फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। इसके अपोजिट मैं बात करूं, फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड, या जो हमने पार्ट लिया है अभी गिवन पार्ट, ये फोर्स बाहर कैसा अप्लाई करेगा उसकी बात करें, ठीक है? तो बोलो ये बाहर के मॉलिक्यूल्स पर किधर फोर्स अप्लाई करेगा? बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, तो उन्होंने अंदर फोर्स लगाया तो उन पर फोर्स किधर लगेगा? बाहर की तरफ। तो आप समझ सकते हो लिक्विड के अंदर हर पार्ट पर अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, और वो पार्ट बाहर के सराउंडिंग पर आउटसाइड बाहर की तरफ फोर्स लगाए, ठीक है?
दैट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देख लिया, अब देखो इसी में एक एग्जांपल लेता हूं मैं। एक थ्रेड से एक स्टोन को ठीक है बांध के हमने लिक्विड में डुबो दिया। द स्टोन इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इनसाइड द लिक्विड। नाउ वी वांट टू नो व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय सराउंडिंग वाटर और सराउंडिंग लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ स्टोन। स्टोन के सरफेस पर किस तरह से फोर्स लगेगा। जैसा कि मैंने बताया कि जो लिक्विड है उसके हर पॉइंट पर प्रेशर है और उस पॉइंट के कांटेक्ट में जो भी आएगा उस कांटेक्ट पर वो फोर्स अप्लाई करेगा। फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, नॉर्मल टू एरिया ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो बोलो कैसे फोर्स लगेगा। तो सराउंडिंग लिक्विड को देख लो, तो सराउंडिंग लिक्विड इस पर किधर फोर्स लगाएगा, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स पास में आ गए तो कंप्रेसिव फोर्स होगा, तो इस सरफेस पर अंदर की तरफ फोर्स लगेगा। फोर्स की डायरेक्शन भी देख लो, नॉर्मल टू एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। तो स्टोन के सरफेस पर चारों तरफ से अंदर की तरफ फोर्स लगेगा और हर तरफ जो फोर्स की डायरेक्शन होगी दैट वुड बी नॉर्मल टू एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, देखो कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम प्रैक्टिस के लिए। इस कंटेनर में लिक्विड को फिल किया है, ये लिक्विड इस कंटेनर पर किस तरह से फोर्स लगाएगा वो हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, बोलो लिक्विड साइड वॉल पे किधर फोर्स लगाएगा, नॉर्मल टू एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये एरिया है इसके नॉर्मल, बाहर की तरफ, बाहर या अंदर। लिक्विड फोर्स किधर लगाएगा, बाहर या अंदर। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मैं फिर से बता दूं, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं अंदर और ये है कंटेनर के मॉलिक्यूल्स, एक दूसरे के पास आ गए या नहीं, बिकॉज ऑफ प्रेशर पास आ गए। तो पास आने के कारण क्या होगा, रिपल्शन। नाउ वी वॉन्ट फोर्स ऑन द कंटेनर, तो कंटेनर के मॉलिक्यूल्स पे देखो रिपल्शन किधर होगा, बाहर। इस तरह के फोर्स लगेंगे। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो फोर्स है या जो प्रेशर है वो नीचे की तरफ बढ़ता है। क्यों बढ़ता है मैं अभी बताऊंगा। इसलिए प्रेशर नीचे की तरफ बढ़ेगा तो जो फोर्स है वो भी नीचे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, इस वॉल की बात करें तो अगेन इस पर किधर लगेगा फोर्स, नॉर्मल बाहर की तरफ। ठीक है, और अगर मैं बात करूं फोर्स अप्लाइड बाय कंटेनर ऑन द लिक्विड, कंटेनर ने लिक्विड पर किधर फोर्स लगाया उसकी बात करूं तो क्या होगा। हाँ, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ हम देख सकते हैं एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। तो लिक्विड पर जो है वो अंदर की तरफ फोर्स लगेगा इस तरह से। कंप्रेस कर रहा है वो कंटेनर की वॉल। थोड़ा सा शेप बदल देते हैं हम कंटेनर का। इस तरह का कंटेनर है, लिक्विड रखा है इसमें, फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड ऑन द कंटेनर कैसा होगा, नॉर्मल टू एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, नीचे की तरफ फोर्स बढ़ेगा। और अगर हम बात करें फोर्स अप्लाइड बाय कंटेनर ऑन द लिक्विड तो वो जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है,
ये मटके में पानी भरा है। वॉट इज फोर्स अप्लाइड बाय वॉटर ऑन द वॉल्स ऑफ पिचर, किधर फोर्स लगेगा? अब हर जगह आपको नॉर्मल बनाना पड़ेगा, वॉटर बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है? तो हर एक जगह जो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है उसके नॉर्मल, बट नीचे की तरफ प्रेशर बढ़ता है, इसलिए मैं फोर्स की जो लेंथ है वेक्टर की वो बढ़ा रहा हूं। फोर्स अप्लाइड बाय वॉल्स ऑफ द कंटेनर वो होगा इनसाइड, ठीक है? तो एक बात तो समझ में आ गई कि लिक्विड या गैस या फ्लूइड के कांटेक्ट में अगर कोई भी सरफेस होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो उस पर एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स एरिया ऑफ कांटेक्ट के नॉर्मल डायरेक्शन में होगा। फोर्स इज प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है? और फोर्स क्यों लगता है, प्रेशर क्यों होता है, ये भी हमने बता दिया कि जो फ्लूइड है बिकॉज ऑफ इट्स वेट एंड सराउंडिंग फोर्सेस कंप्रेसिव सिचुएशन में होता है, कंप्रेशन के कारण मॉलिक्यूल्स पास में आ जाते हैं जिसके कारण वो प्रेशर जनरेट हो जाता है, ठीक है? ठीक है, अभी हमने शुरुआत की है, इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि प्रेशर का वेरिएशन कैसा होगा, ठीक है? और इसको फिर आगे हम देखेंगे कंटिन्यू।